राजघाट पुलिस ने बुधवार को नारमर ग्राउंड में चोरी के रुपए और जेवरात बांटते तीन लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उनके पास से 2,17,000 नकदी सोने और चांदी के जेवरात समेत तकरीबन 7,00,000 रुपए का माल बरामद किया। पुलिस ने उनको कोर्ट में पेश किया, जहां से जेल भेज दिया गया। इस संबंध में एसपी सिटी सोनम कुमार और सीओ कोतवाली बीपी सिंह पुलिस लाइन में चोरी की घटना का खुलासा करते हुए बताया कि 24 नवम्बर की रात तुर्कमानपुर में सुल्तान खां मस्जिद के पास एक मकान की छत के रास्ते घुसकर अलमारी में रखा नकदी और जेवरात उठा ले गए थे। पीड़ित ने तकरीबन 11 लाख कीमत की चोरी का अंदेशा जताया था। राजघाट पुलिस चोरों की तलाश में लगी हुई थी। इस बीच मुखबिर से सूचना मिली कि तीन चोर नार्मल ग्राउंड में चोरी के रुपए और जेवरात का बंटवारा कर रहे हैं। इस सूचना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस टीम मौके पर पहुंचकर उनको गिरफ्तार कर ली। पुलिस ने उनके पास से 2,17,200 रुपए नकदी, 8 थान पीली धातु और 5 थान सफेद धातु का जेवरात बरामद किया। पूछताछ में आरोपितों की पहचान गीडा क्षेत्र के निवासी रवि गौड़, सुजीत कुमार, अमित शर्मा के रूप में हुई। पुलिस फरार चल रहे उनके एक साथी सरफराज की तलाश कर रही है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीओ कोतवाली बीपी सिंह और एसपी सिटी सोनम कुमार ने कहा, ये क्या बता रहे हैं कि चोरी की है कि कोई और लगता है? कई चोरियां किया है, लेकिन ये चूंकि अब पुलिस द्वारा जो है कहा है घटना के लिए, वो सभी चोरियां इनसे संबद्ध रात्रि काल। ये थाना क्षेत्र राजघाट में दो खुलासे हुए हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में किया गया है और सीओ कोतवाली जी का इसमें नेतृत्व रहा है। एक तो चोरी हुई थी 25 तारीख नवंबर को, तुर्कमानपुर सुल्तान खान मस्जिद था, वहाँ से चोरी हुई थी। तो इसके बारे में सूचना कल मिली थी कि वहाँ पे लोग उसे बंटवारा कर रहे हैं, चोरी के माल का बंटवारा कर रहे हैं। तो वो नॉर्मल ग्राउंड है, चौकी पांडे हाथा, वहाँ पे बंटवारा किया जा रहा था। हमारी टीम वहाँ पे गई, इंस्पेक्टर साहब गए थे, 3 सब इंस्पेक्टर थे, 5 कांस्टेबल और एक हेड कांस्टेबल थे। इन्होंने वहाँ पे बरामदगी करी है। 3 अभियुक्त हैं, रवि गौड़ हैं, सुजीत कुमार और अमित शर्मा, और 2,17,200 रुपये का नगद बरामदगी हुई है। इसके अलावा पीली धातु और सफ़ेद धातु के काफ़ी सारा वो बरामद किया गया। ये मुकदमा अपराध संख्या था 741/20, धारा 457, 380, 411 में। इनका आपराधिक रिकॉर्ड तो नहीं है? नहीं, आपराधिक रिकॉर्ड है, इनके संकलित किए जा रहे हैं। इसमें से एक अभियुक्त पहले से भी गैंगस्टर में, इसकी कीमत कम से कम 7,50,000 रुपये है। काफ़ी देखिए, प्रेस आपको दिखाया गया, एक गले की माला है, एक मंगलसूत्र है, एक मांग टीका है, नथुनी वगैरह है, इसमें झुमका भी है, नाक की कील है, अलग अलग है, कमरधन है, कमरबंद है, काफ़ी महंगा होता है। छत के रास्ते चढ़ करके उनकी अलमारी को तोड़ा गया था, और तोड़ा क्या गया था बल्कि उनकी ही चाबी से उस अलमारी को खोल लिया गया था। चाबी वहीं रखी हुई थी, उसे खोल करके निकाल लिया गया था, और इनके फोटोग्राफ्स भी सीसीटीवी फुटेज में पाए गए हैं। और जो हम साक्ष्य के रूप में बतौर कोर्ट के सामने प्रस्तुत करेंगे, और इसमें से एक अभियुक्त पहले भी जेल जा चुका है, उसके खिलाफ गैंगस्टर की भी कार्रवाई हुई है, उसमें भी वांटेड चल रहा था। ये सभी रहने वाले उस क्षेत्र के रहने हैं, थाना गेड़ा गोरखपुर के हैं तीनों, नौसड़ क्षेत्र के रहने वाले हैं। इसमें एक अभी वांटेड किया गया है और वो मुख्य अभियुक्त है, उसकी भी गिरफ्तारी से। इनका 8 मुकदमे हैं, जो इसका मुख्य अभियुक्त है, लीडर है, वो सरफराज, उसके खिलाफ 8 मुकदमे अब तक रजिस्टर्ड हैं और सभी चोरी के मुकदमे हैं, और उन्हीं में से एक ये पहले चोरी में जेल जा चुका है। इसके अतिरिक्त गैंगस्टर की भी कार्रवाई हुई है, और गैंगस्टर में भी वांटेड चल रहा था। दिनांक 24-25 की रात को, नवंबर की रात को, ये तुर्कमानपुर में चोरी की घटना हुई थी। तो उसकी उसमें हमने 3 अभियुक्तों को भी गिरफ्तार किया है, और इनके तरफ से कम 11 लाख रुपए की चोरी उन्होंने की थी, और ऑलमोस्ट 70% की उसमें से बरामद की पाई गई है। इसमें नकदी भी है और पीली धातु भी है और सफ़ेद धातु भी। घटना ये लोग छत पे गए थे और फिर वहाँ से चाबी से अलमारी का इन्होंने ताला जो है तोड़ करके इन्होंने किया था। ये लोग नौसड़ है, गीड़ा थाना क्षेत्र में, वहाँ के रहने। रकम देखिए ऑलमोस्ट 11 लाख रुपये है,
बट इसमें से हमने 2,17,200 रुपये की बरामदगी करी है और बाकी जो है पीली धातु और सफ़ेद धातु के गहने हैं तरह तरह के, उनकी बरामदगी की गई। चोरी ही मुख्य कारण था और इनका आपराधिक इतिहास भी है जो खंगाला जा रहा है। करीब 7.5 लाख के आसपास धातु की।